कोट गुरु है ना? हाँ जी, हाँ जी दोस्तों, सारयां नूं सत श्री अकाल। अज फिर मैं एक बड़ा इतिहासिक गुरुद्वारा लेके आया हाँ, कोट गुरु। यह घुद्दे दे बिल्कुल नेड़े है, 2-3 किलोमीटर दूरी ते है। ये तुसी स्क्रीन शॉट लेके इसका इतिहास पढ़ सकते हो जी। बड़ा इतिहासिक गुरुद्वारा है, गुरु गोबिंद सिंह जी के चरण छोह प्राप्त है। सुखू ते बुद्धू की कहानी है जी, जिहड़ा कि इतिहास तुहानूं मैं अगे विस्तार नाल दसांगा। चलो अंदर चलते हैं, गुरुद्वारे दर्शन करते हैं जी। आज सत श्री अकाल। गुरुद्वारे के बाहरले गेट पे आप खड़े हैं जी। इस टाइम बहुत सोहनी खेतों के वसया है, बहुत सुंदर गुरुद्वारा जी, जिहदा कि इतिहास तुहानूं बहुत विस्तार नाल अगे मैं दसांगा जी। इत्थे गुरु गोबिंद सिंह जी ने माछीवाड़े के जंगलों के जदों उच्च दा पीर बन के आए से, तो इत्थे आए से बाजे के, तो इत्थे पहुंचे सन गुरु साहब। इहदा इतिहास तुहानूं मैं अगे डिटेल दसांगा। Thank you.
Thank you.
हाँ जी सत श्री अकाल सारिआं नूं, मैं बलजीत सिंह अटवाल अज फिर तुहाडे रूबरू होण लग्गिआ। अज मैं बहुत ही इतिहासिक गुरद्वारे का तुहाडे अगे इतिहास दसण लग्गिआ जी। गुरद्वारा ओह जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी उच्च दा पीर बन के आए सन, दोबारा जदों माछीवाड़े के जंगलों च उच्च दा पीर बने सन तां दोबारा दूसरी बार इस जगह तक पहुँचे सन उच्च दा पीर बन के। कहानी इस तरह जी, सुखू ते बुद्धू यह गुरु साहब के सेवादार बन गए सन। ये लोग ये दोनों जाने गुरु साहब तो बदला लैन आए सन, ठीक है जी। ये कहानी मैं तुम्हें हौली हौली अगे सुना, जितों की अज मैं गल कर लग गया। ये पिंड गुरुसर जिसनों कोट गुरु भी कहा जाता है, इतों तक गुरु साहब जी उच्चा पीर बन के आए सन। सुखू तो बुद्धू अपने सिर पर पलंग चक के लिए सन, तो पिछे उन्होंने चार सिंह लगे सन। इस गुरद्वारे इतिहास दसवां ये पातशाही दसवीं पिंड बाजक तो कोट गुरु तक गुरु साहब जी आए सन, और इतने कोट गुरु में इन्होंने अपना आखिरी पड़ा लगाया सीगा। और इतने हर महीने की दसवीं का मेला भरता है जी, हर महीने की जो भी दसवीं आती है तो इतने बहुत भारी मेला भरता है। फिर सालाना जोड़ मेला जेठ महीने के भरता है जी, उस दिन बहुत भारी कट चलता है, अखंड पाठ के भोग पाए जाते हैं, तो संगत बहुत दूर दुराडे तो पहुँचती है। हाँ जी, हुण आपां अगे कहानी चालू कर लगे हैं जी। इस कहानी दे विच इह कहानी जदों भी गुरु साहब मलुके दे दीवाना, एक भगत सीगा गुरु जी का मलुके का दीवाना, वह गुरु साहब के दर्शन करने लई रात नूं ही आ गया। कई इतिहासकार दसदे हन कि उस बंदे ने थोड़ा जिहा नशा कीता होया सीगा, और इस करके रात नूं गुरु साहब दे जो पहरेदार सी बाबा भागू जी नाल जिद करन लग्गा, मैं हुणे ही गुरु साहब नूं मिलणा, हुणे मिलाओ। तां बाबा भागू जी ने बहुत समझाया भी सवेरे मिलना, इस टाइम गुरु साहब आराम कर रहे हैं। पर वो बंदा जदों मनण वाला नहीं सी, जदों किसी बंदे दी आई आई होवे, मौत आई होवे, तां उहने कोई ना कोई कारा करना ही हुंदा। सो जी बाबा भागू जी नाल दीवाना साध बहुत धक्का मुक्की करन लग्गिआ, तां एक डंडा चक के बाबा भागू जी दे सिर च मार लग्गिआ। तां अचानक फिर बाबा जी बहुत फुरतीले सन, क्योंकि पहरेदार सन, उन्होंने अपनी कृपाण कढ़ी ते वार कीता ते दीवाने साध दा मोढा काफ़ी बुरी तरह जख्मी कर दिता। सो उस जख्म दा नाम भार चलते हुए तो दीवाना साध जी घंटे दो घंटे जी पूरे हो गए। सो इस गल दा जदों पता पिंड कुद्दा दे महंता नूं पता लगा, तां उन्हां महंता दे विच ही दो बंदे सन जिन्हां नूं सुखू ते बुद्धू कहा जाता है। यह दोनों ने धार लिया सी कि असीं अपने दीवाना साध दा बदला लवांगे। सो यह बदला लैण दे लई ही बाजक पिंड पहुँचे सन, ते जदों झाड़ी इन्हां दे नाल 50 बंदे होर सन, काफ़ी तगड़ी फौज करके लेके आए सी गुरु साहब नाल लड़न दे लई। पर जदों गुरु साहब जी की चर्चा उन्होंने पता लगी तो बाकी सारे बंदे एक एक दो दो करके भज गए। तो हाँ अखीर में सुख के बुद्धू रह गए। इन्हों को ढार सारंगी तो ढड होंगी जी बजाते होंगे सन, भी मेलों पर या गाने सारंगी बजाते म्यूजिक कढ़ते सन, इन्होंने झाड़ियों लुकोया है। और हौली हौली जी 15-20 मिनट बाद जो टाइम लग्या तो गुरु साहब के दर्शन किए, तो गुरु साहब जी इन्होंने पूछ लिया, यार तुहाडे सारंगी तो ढड कित्थे लुकोया है तुसीं? ये गल जो इन्हों सुनी तो एकदम हिल गए भी गुरु साहब तो जानी जानने, इन्हों कि पता भी असं उत्थे लुको के आए। ये कहें भी ऐ करो, उन्होंने चक के लियाओ, सारंगी तो ढड लियाओ, तो सानू कोई अपने शब्द सुनाओ। लो जी वो फटाफट चक के लेके आए, तो उन्होंने अपने जो शब्द शुरू किए सन वो इस तरह सन कि गुरु साहब मगन हो गए और बहुत ही तसली नाल बार बार सुनते रहे। 3-4 बारी उन्होंने कहा भी यही बजाई चलो, यही सुनाई चलो। वो शब्द किहड़े सन? वो सन कच्चा कोठा विच वसदा जानी, कच्चा कोठा विच वसदा जानी, सदा ना मापे नित नहीं जवानी, सदा ना मापे नित नहीं जवानी, चलना अगे ज्यों होई गुमानी, चलना अग्यों ज्यों होई गुमानी। ये शब्द सन जो गुरु साहब जी ने बार बार उन्होंने सुने और बहुत ही श्रद्धा नाल उन्होंने बड़ा प्यार दिता, और वो दोनों भी गुरु साहब के भगत बन गए। लो जी सवेर हुई तो गुरु साहब ने बाजक तो अगे चाले पाने शुरू किए, तैयारी की, तो उन्होंने दोनों ने हाथ जोड़ के गुरु साहब अगे खड़ गए। गुरु साहब असी तुहाडी सेवा करनी चाहते हाँ,
असी तुहानूं दुबारा फिर उच्च दा पीर बनिया देखना चाहुंदे हन जो तुसीं माछीवाड़ दे जंगलां दे विच रूप धारिया सी और असी तुहाडा पलंग उवें ही चकना चाहुंदे उवें अपने कंधियां ते अपने मोढ़ियां ते पलंग चक के लैके जाना चाहुंदे हां। लो जी सुखू ते बुद्धू अगे पलंग चकन लग गए, अगे चक लिया ते पिछे दो सिंह लग गए उन्होंने पलंग चकिया ते गुरु साहब जी भी इन्ने मगन हो गए ते उन्हां दे सिर दे विच जिवें आपां नगाड़े ते आवाज करदे जां तपले ते आवाज डम डम दी आवाज करदे ना ते गुरु साहब इदां उन्हां दे गंजे सिर ते हत्थ मारदे तां अग्गों भी सुखू दी आवाज भी आउंदी कदे बुद्धू दी आवाज जिवें आपां नगाड़े डम डम दी आवाज करदे इस तरह दी आवाज आई गई और बहुत खुशी खुशी वह लोग सारे उत्थों बाजक तो 4-5 किलोमीटर दूर जिथे अज मैं गुरुद्वारे के इतिहास सुना रहा जी यह पिंड है गुरुसर जिन्हों असी कोट गुरु भी कहा जाता है और इतने आके गुरु साहब जी ने अपने आसन लगाए इतने रात रहे। सो यह इतिहास है जी इतों का गुरुसर कोट गुरु बहुत ही रमणीक ज और सुंदर गुरद्वारा इन्ना सुंदर गुरद्वारा क्योंकि खेतों के वसया होया जगह है क्यों आस पड़ोसे जिन्नी हरियाली आ चारे पासे हरे खेत आ झोना लग्या कणकां लगियां फसलां हुंदियां और विचाले चिट्टे रंग दा मार्बल दा गुरद्वारा इन्ना सुंदर लग रहा जी और परमात्मा ए लगदा वी अज ही इत्थे प्रगट होए हन। सो सारी संगत नूं बेनती करदा जी कि तुसीं इस तरह दी वीडियो देखिया करो और अपने भैण भाई छोटे बच्चों जरूर दिखाओ तां जो कोई इतिहास नाल जुड़े रहन क्योंकि सिख विरसे नूं असीं खोणा नहीं चाहुंदे गे असी चाहते कि असी भी अज मैं खुद अपने बच्चों के लिए तैयार कर रहा जी सारा कुछ जो कर रहे हैं मैं भी चाहना कि तुम अपने बच्चों अपने भैन भाइयों ये गुरद्वारे जिन्हें भी इतिहासिक गुरद्वारे उन्होंने दर्शन कराओ। सो सारी संगत को एक बार बेनती करना भी अपने चैनल में सबसक्राइब करो और सबनों दिखाओ और खुद भी देखो। सो सारी संगत को सत श्री अकाल सारू वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह सतनाम वाहेगुरू।